Hi everyone welcome to a new episode of Growthcast today i have with me Prerak Kurana, who is a supreme court high court lawyer and we are going to discuss with him certain laws that everybody should know and we are also going to talk about lawyer as a profession stay tuned till the end because you will get nuggets of wisdom that will not get anywhere else hi prerak welcome to growthcast show and first of all i would like to understand your journey what drew you to legal field and how everything is started for you सो एवरी थिंग स्टार्टड वन आई वॉज इन स्कूल ऑब्वियसली तब आपको क्रेज होता था जानने का अंडरस्टैंड करने का कि यू नो वॉट क्या फील्ड आप चूज करें क्या आप करेंक्रॉस ऑबियसली सूट्स जो सबको बहुत पसंद आता है बट इवन बिफोर दैट आई स्टार्टिड वॉचिंग दिस सीरीज कॉल्ड बॉस्टन लीगल ओके दर एक्चुअली गॉट माई माइंड की दर एक्चुअली इंट्रीड मी की यार कुछ तो होता है इस लीगल प्रोफेशन में फील्ड में लेट सी क्या है

टली अंडरस्टैंड कि वहां पर जो होता है असल वैसे यह यहां पर भी वैसी है बट आई वुड नॉट से एग्जैक्टली सेम है सिमिलर है बट अलग तरीके से है गोट इट एंड लाइक टू शेयर एनी रिसे रिसेंटली डेल्ट अ केस जिसमें माई वन ऑफ माई क्लाइंट्स वॉज चार्ज विद रेप बाई वूमेन हु ही मेट ऑन इंस्टाग्राम एंड शी सेट ऑब्वियसली दे स्टार्टो इंग द रिलेशनशिप में दिग्न एक्चुअली तो वो कहती है मुझे तुमसे शादी करनी है आई वॉन्ट टू बी विद यू शी कम्स डाउन टू हिस प्लेस देसली हैव देअर प्राइवेट मोमेंट दैट डिडी गोज बैक पे मी थर्टी लैक्स आई अदर गेट मैरिड टू मी और आई विल फाइल केस अगेंस्ट यू से फॉल्स प्रोमिस टू मैरी फॉर योर व्यूअर्स आई एल टेल यू वॉट इफ यू सेट यू वुड वॉन्ट टू मैरी अ वूमन एंड यू देन एंटर इन टू अ

He came to us in Supreme Court and we got him bail. And this is very interesting what happened. This woman had actually done this with other three people before him. And she actually got married to one of them. Or divorce case, domestic violence case, already chal raya. It didn't end here. This woman, after our client, also did it with other two guys.

I know. In fact, not with the the problem is with how it's being used. Okay. मतलब law बना है women को protect करने के लिए but मतलब some people obviously जहां पर genuine case है it is a very good thing. The law is very good जहां पर genuine case है but I've seen sometimes that it has also been misused. Right. Like in this case जो मैंने अभी आपको बताया Right. But ठीक है मतलब obviously now since bias रहता है उनके अगेंस्ट जुडिशियल कस्टडी में गया फिर पुलिस कस्टडी में तो दोनों कस्टडी डिफरेंट होती है क्या हाँ दोनों कस्टडी बहुत डिफरेंट होती है तो सबसे पहले पुलिस कस्टडी में जाते हैं पुलिस कस्टडी में क्या हुआ कि आप पुलिस स्टेशन में उसको, उनको रखेंगे बट लॉ कहता है कि आप जिस दिन अरेस्ट करते हैं विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स टू प्रेजेंट दैट पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट आगे मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि उस पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है जो कि आपके जेल होते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस जेल जुडिशियल तो सारे प्रिजनर्स प्रिजनर जुडिशियल कस्टडी में ही रखे जाते हैं ओके पुलिस कस्टडी में सिर्फ तब रखा जाता है जब सिचुएशन होती है उनको क्वेश्चनिंग करनी है उनके साथ उनका एग्जामिनेशन करना है तब पुलिस कस्टडी में रखा जाता है

कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसमें आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि आपको क्या जानना है एंड दे आर सपोज टू एंड दे आर बाउंड टू आंसर इट ऑब्वियसली कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें दे टेल राइट बट काफी चीजें ऐसी होती है जो आप उनसे जान सकते हैं गॉट इट

ज एन एम्प्लॉयर यू आर प्रोटेक्टिंग योर राइट अगेंस्ट दैट पर्सन जो आ रहा है आपके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय के लिए पता है कि मुझे इसके साथ काम करना और मुझे इतने पैसे मिलेंगे बट वन साइडेड और अनरिजनेबल एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड कैन डेफिनेटली भी चैलेंज इन कोर्ट इट इज अगेंस्ट द बेसिक कॉन्ट्रेक्ट लॉ कॉन्ट्रेक्ट लॉ कहता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपने कुछ ऑफर किया मैंने उसको एक्सेप्ट किया तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वन साइड टर्म्स अगर होंगे

चैलेंज uh, किया गया था कि आफ्टर सेपरेशन ट्वेल्व मंथ्स तक ही हांक इन द सेम फील्ड ही चैलेंज इन कोर्ट एंड ही सेट कि नहीं अनरीजनेबल है सो अगेन पर से आर लीगल बट टर्म्स डिफाइन करती हैं कि उसकी लीगलिटी कहाँ तक है गॉट इट

कुछ भी रिटर्न में हो तो वो वो आप किसी ने बोला हो हो तो कहीं पर भी यूज़ यूज़ सकता है है yeah. अगेन आपको लॉ फॉलो करके ही उसको यूज़ करना राइट 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 सो आई सी रैंडम पीपल जैसे कोहली की अगर पोस्ट देखता हो, तो नीचे जाके कुछ भी कह सकते हैं या कुछ भी लिख देते है, kind of see, अगेंस्ट हो सकते हैं अगर आपको अगर जो जिसके आप कमेंट में लिख रहे हो अगर आप उसको एक्चुअली लग रहा है बुरा लग गया बुरा लग गया और उसको लग रहा है कि यार ये तो गलत है हुँ. कि जो ये बोल रहा है वो गलत है और मेरी रेपुटेशन को हार्म कर रहा है तो मैं तो जाऊंगा ना कोर्ट राइट उसके अगेंस्ट वही चीज है Do you also feel कि थोड़ा सा basic law की understanding कम है school should also do a better job in making people aware about कि basic rights क्या हैं laws क्या हैं definitely मतलब I I feel मतलब obviously school तक आपको किसी को पता ही नहीं होता कि you know बच्चों को कहाँ ही पता होता है कि यार क्या law है क्या चीजें हैं वो तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए गए हैं और obviously मस्ती मारने के लिए but हाँ basic knowledge is very important क्योंकि आज की date पे pe, every person should know what his right and what his or right is Right. तो अगर वो ग्रास रूट लेवल से ही शुरू होता है तो वो बेटर ही है राइट right. आपके पास एक रीजन करने का एक यू नो यू द सेंस ऑफ रीजन आप हर एक चीज को क्वेश्चन कर सकते हो राइट right. अगर आपको पता है तो करेक्ट करेक्ट एंड आईसो लाइक टू वन ऑफ दिच केम टू माई इन कमिंग कि बहुत से लोग हैं जो अपना फ्लैट रेंट पे लेते हैं

लोग मिस्टेक ये करते हैं कि यू you नो know, मैंने ये डॉक्यूमेंट ही नहीं किया उसने मेरे पैसे ले लिया हाउ विल यू शो राइट उसके बाद डेफिनेटली अगर उसने नहीं दिया और कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ लीज डीड में या रेंट एग्रीमेंट आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उसको इस टाइम तक रिटर्न करना है और अगर वो रिटर्न नहीं करता है तो उसके पास डेफिनेटली राइट है टू तो गो टू तो द कोर्ट एंड से कि मुझे रिटर्न करवाओ इज नॉट रिटर्निंग

उसके बाद आप एविडेंस देते हैं कि जो जिस भी चीजों पे आप रिलाई कर रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट पे आप रिलाई कर रहे हैं ये बोलते हुए जो आपने पिटिशन फाइल करी है उसका एक आपको कोर्ट को फॉर्मल एविडेंस देना होता है ओके कि ये एविडेंस है इसको मैं रिलाई कर रहा हूं अपने किसी भी केस को सब्सटैंशिएट करने के लिए फिर आप सामने वालों को क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं कि अच्छा आपने ये एविडेंस दिया है नाउ आई विल क्रॉस एग्जामिन यू अपोजिट साइड विल क्रॉस एग्जामिन मान लीजिए अगर मैं एडवोकेट हूँ मेरा क्लाइंट है उसने कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करे तो आप एडवोकेट सामने गए तो आप उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे कि सही है कि नहीं कितना है कि आप कितना सही बोल रहे, बोल रहे। okay. और फिर जाता है फाइनल आर्युमेंट कॉन्क्लूड होती हैं तब जजमेंट आता है सी डिपेंड्स ऑन केस टू केस मतलब मैं आज आपको नहीं बता पाऊंगा अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर केस आएगा तभी मैं बता पाऊंगा okay. कि क्या है ऑब्वियसली हर एक स्टेप पे आपको यू नो यू वुड हैव टू थिंक थिंक थ्रू रीजन विद हैल्फ कि आपने क्या पूछना है क्या करना है बिकॉज सामने जज बैठा है जज नोज नथिंग right. वो एक फाइल पढ़ के आएगा उसको जो पता है वो उसमें से बात करेगा एंड ही वुड हैव फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चन आपके लिए अगर आप उनको आंसर कर पाते हो तो अच्छी बात है आपके यू नो

ऐसा नहीं है कि जो नहीं कम्युनिकेट कर सकता उसको ये प्रोफेशन में आना नहीं चाहिए आप सीख जाते हो एवेंचुअली आपको पब्लिक को फेस नहीं करना है इसमें आपको सिर्फ एक पर्सन को फेस करना जो सामने जज है अगर आप उससे डील करना आ गया आपको तो आप कर सकते हो एंड आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब लॉयर कैन गेट इंडिया एक तो कॉर्पोरेट होगा फिर आपका एक पब्लिक फेसिंग होगा आर डिफरेंट सी बहुत सारे फील्ड्स हैं डेवलप हो गए हैं काफी सारे फील्ड्स आप लॉ करते हैं उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप मास्टर्स कर सकते हैं एल Okay. Which means, जब आप LLM करते हैं, you can go into teaching. Okay. आप प्रोफेसर बन सकते हैं Then there is judiciary. आप जज के लिए बैठ सकते हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए जज के लिए एग्जाम्स दे सकते हैं थर्ड hmm. आप लिटिगेशन में जा सकते हैं डायरेक्टली आपने डिस्प्यूट करना है लिटिगेट करना है अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है देन थर्ड आता है corporate. आप corporate mergers के लिए जाते हैं।

थिन थ्रेड रहता है जिसके चलते मे बी दैट पर्सन कैन ऑल्सो गेट अवे बिकॉज एक जुवेन हम कंसिडर करते हैं हाफ है, का था हाँ सो so, सी एक एक्ट होता है act, okay. जो कि एक प्रिजम्पन देता है hmm. ये बोलते हुए कि एवरी पर्सन हुटीन इज प्रजम्ड टू बी इनोसेंट तभी उस लॉ के अंदर हमेशा यह लिखा होता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि पर्सन ने ऑफेंस किया है आप अगर आईपीसी पढ़ेंगे अगर कोई भी लॉ पढ़ेंगे नॉर्मल उसमें लिखा है कि समवन एज कमिटेड एन ऑफेंस राइट लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ तो इसका प्रिजम्पन ही ये आता है कि वो इनोसेंट है उसको पता ही नहीं था वो क्या कर रहा है अच्छा टिल टिल ईयर ऑफ ऑफ एज एज तो वो ही किया किया जाता है बट वेर आर प्रोविजन जिसमें यू you नो know, वो दिखा सकते हैं कि इवन इफ ही इज बिलो एटीन ईयर्स ऑफ एज

रिसेंट चेंजेस तो आई वुड से जो नए लॉज तीन इंट्रोड्यूस हुए हैं यस बी एन एस बी एन एस एस एंड एक एविडेंस एक्ट को यू you नो know, रिपील करते हैं कुछ सब्सटेंशियल चेंज नहीं है इट्स जस्ट दैट वो पुराने कॉलोनियल लॉज जो हैं बने हुए जो आप ब्रिटिशर्स के टाइम के लॉज बने हैं उनको रिपील करके उनको नए तरीके से उनके नए ऑफेंसेस बना के उनको उनके लाइबिलिटीज बढ़ा के प्रजेंट किया गया है ऑब्वियसली कुछ एडिशन हैं जैसे टेररिज्म के ऊपर उन्होंने प्रोविजन ऐड किया है सेडिशन के ऊपर ऐड किया है एक और नए तरीके का ऑफेंस अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन ऐड किया गया है जिसमें अगर आप डिसीटफुल मीन से किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं वो भी रेप कि कंसिडर किया जाता है ऐसी सिचुएशन ऐसी नई चीजें ऐड करी गई हैं नए लॉ में

आप उनको डेफिनेटली एक फॉर्मल नोटिस देना होता है अच्छा आने से पहले अच्छा अगर वो नहीं देते तो आपका सामान तो चलो आके वो ले ही जाएंगे बट आप कोर्ट में जा सकते हैं बोल सकते हैं कि जो जिन्होंने कॉन्फिस्केट रॉन्गली किया मुझे वापस दीजिए ओके बट दैट्स अनदर फाइट राइट राइट, राइट। पांच छह लाख रुपए यूजुअली सी हर कोई रखता है आज की डेट पर कोई बिजनेसमैन होगा कोई बिजनेसमैन होगा या आप अगर वर्क आपके मतलब किसी की वाइफ होंगी कोई मदर होंगी वो भी अपने पास रखती है कैश हार्ट की मेरे को भी आगे जरूरत पड़ सकती है तो ऐसे कोई रैंडमली आके नहीं करता अनलेस अनल उनके रेडार में आ जाए इतना कि बहुत सारा कैश पड़ा है तो हम जाके रेड न्यूज में आता है जनरली इफ यू कैन जस्टिफाई कि क्यों है किस किसमी हाँ, मतलब अगर आप बिल से जस्टिफाई सी ज्वेलरी को आप बिल से जस्टिफाई कर सकते हो आप कैश को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो राइट बट पांच छे लाख रुपए के लिए कोई नहीं आता यूजुअली Right. वो जब अमाउंट अमाउंट है मान लो हजारों हैं हैं कुछ इतने पैसे हैं कि एक्चुअली उनको लगता सीबीआई को या कोई भी और जो अथॉरिटी है कि जी हमें करनी है. This has, this so कि वो कॉन्फिस्केट होना चाहिए बिकॉज इट्स ब्लैक मनी राइट तभी वो होता है वरना पांच छह लाख रुपए वन वुड इसको में लो, तो में ऐसे में क्या चलान होते हैं okay. या तो आप वहां पर चलान पे करते हैं हुँ. या तो वो कोर्ट का चलान होता है इनफैक्ट तीसरा भी होता है जिसमें वो ऑनलाइन चलान करते हैं आजकल ओके देर इज एनलाइन पोर्टल जहाँ पे आपको चलान दिखता है वेबसाइट है आप अगर लॉग इन करेंगे देली देली की वेबसाइट है, कोई मैं अभी मुझे पता नहीं नाम आप अपना गाड़ी का नंबर लाइसेंस नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपके कितने चलान हो कितने हो चलान हुए हैं देन फिर अगर आप उनको माफ कराना चाहते हैं तो या कम कराना चाहते हैं तो मंथली क्वार्टरली या कभी कभी वीकली लोक अदालत होती हैं ओके जो कि एवरी सैटरडे या संडे होती है आपको वहाँ पर रजिस्टर करना होता है अपना केस और आपके किसी लॉयर को जाके उसको प्रेजेंट करना होता है तो काफ़ी सिचुएशन वो माफ भी हो जाते हैं ओके ओके आई थिंक इस पर कई लोगों ने रील भी बनाई कि ये लोग जो आपकी अदालत होती है इसमें आप जा सकते हो पचास हजार साठ हज़ार इसके चार हाँ, बहुत सारे किसी आपको स्लॉट्स बुक करने होते हैं इसमें ओके okay. टिपिकल so, पेशी टाइप का केस नहीं होता है वो यू जस्ट गो एंड जस्टिफाई कि प्लीज आप मेरे को पार्डन कर दो जो भी मेरा हाँ जी मतलब जाना होता है रिक्वेस्ट करनी होती है मेरे से गलती हो गई यू प्लीज गिल्टी से मेरी गलती है आप इसको माफ कर दो वो जस्ट साइन करते हैं माफ करते हैं और अब कोई दिक्कत ही नहीं

एक्चुअली अगर इस प्रोफेशन में ग्रो करना है तो आपको नेटवर्किंग आपको मतलब लॉयर यू कॉन्ट सोलिसिट वर्क राइट थ्रू एनी एडवरटाइजमेंट तो एज अ लॉयर यूसली मीट पीपलो मेक देम अंडरस्टैंड टेल देम वॉट दे कैन डू फॉर यू नो वॉट दे पीपल डिस्कस अबाउट देयर ओन यू नो केसेज देन यू टेल देम वॉट यू कैन डू वॉट यू कैन नॉट डू और अगर उनको एक्चुअली लगता है कि अगर आपको एंगेज करना है तो वो कर लेंगे ये ये तो एक करोड़ लेते हैं इस टाइप की टीम बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा बट ये yes. वो पर्सन जो इतने पैसे लेता है वहां पर किसी वजह से आज वो पहुंचा है जब उसने स्टार्ट किया था वो इतने पैसे नहीं कमा था उसने अपने आप को बिल्ड किया है कि वो इतने पैसे ले पाता है आई नो हु जस्ट गेट यू नो मे बी आर्ग्यू भी नहीं करेंगे बट टेन टू ट्वेल्व लाख रुपीस पर हरिंग वो लेंगे अगर वो कोर्ट रूम में बस एंटर करते हैं आपके लिए सो इज बिकॉज ऑफ पर्सन इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस इन कोर्ट क्योंकि जज को पता होता है दिस लॉयर इज दिस दिस पर्सन

यार ये क्वेश्चन है बड़ा डिफिकल्ट है <laughs> मतलब सी इट रियली मतलब आई वुड द लीगल फील्ड वॉट इजनिंगट आर पीपल डूइंग इन दिस प्रोफेशन तो वो आपको टाइम निकालना ही पड़ता है चाहे आप दिन में निकालिए सुबह निकालिए रात में निकालिए सो दैट यू गेट सो यू आर अपडेटेड बिकॉज अगर आप ये अपडेटेड नहीं रहेंगे

impart knowledge and tell, let people know that this also happens and also helps building a credibility also exactly i think thank you so much for taking out time this was really helpful i think thank certain you. pointers are very interesting and a lot of people who are working professional will gain a lot questions to ask you thank you again thank you so much